सिमडेगा जिले के भारतीय स्टेट बैंक के सिंकस्टर महतो पुराने ग्राहक हैं। इनके खाते में पिछले एक साल से अवैध निकासी हो रही थी। खाता धारक को इसकी जानकारी काफी लेट से हुई। जैसी ही इसकी जानकारी मुख्य शाखा प्रबंधक सुभाष हुरु को प्राप्त हुई, तब उन्होंने त्वरित कार्यवाही करते हुए इसका निपटारा किया और दिनांक 6 फरवरी को उनके कटे हुए सारे पैसे वापस हो गए। जानकारी के मुताबिक खाता धारक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से साइबर ठगी द्वारा अवैध निकासी हुई एवं उस एवज में उनके खाते से पैसा रिकवरी हो रही थी। पूरी जांच पड़ताल के पश्चात सी कार्ड द्वारा सिंकस्टर महतो को उनके कटे हुए सारे पैसे वापस कर दिए गए। साथ ही खाता धारक सिंकस्टर महतो ने इस पूरी प्रक्रिया में मुख्य शाखा प्रबंधक की काफी सराहना की एवं शाखा प्रबंधक के सेवा भावना एवं कस्टमर के प्रति संवेदना की काफी प्रशंसा की। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कस्टमर सर्विस के प्रति किए जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तृत रूप से बताया एवं भरपूर सराहना किया। सर, ये हमारे कस्टमर थे, इनकी जानकारी, इनके साथ जो हुआ था, इनकी जानकारी मुझे पिछले एक डेढ़ महीने पहले मुझे मिली थी। तो उन्होंने जैसे ही बताया, मैंने अपने जो डिपार्टमेंट है जहाँ से कि इनका पैसा कट रहा था, पूरा मामला का छानबीन किया और जो भी पैसे थे उनके रिकवरी का पूरा प्रयास किया, क्योंकि इसके लिए हमने बार बार कंसर्न डिपार्टमेंट से हमने प्रयास में लगे रहे। फिर अंततः हमें 6 फरवरी को उनके जो भी पैसे कटे थे सारे पैसे वापस हो गए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।